हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और अभी वो आज का दिन है, संडे का दिन, और अभी सुबह का टाइम है। तो मेरे हस्बैंड जो हमारे जो दीवार हैं वहीं पे पेंट कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो हमारा त्यौहार अभी मंगलवार को ही है, तो इसलिए हम आज सारा काम निपटा लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और अभी हो रहा है 12:30 बज चुके हैं, तो अभी मैं नहा के आई हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम था, तो इसलिए मैं नहीं नहाई थी और ना ही मैं आप लोगों से बात भी नहीं कर पाई थी। तो अभी मैंने बहुत सारे कपड़े भी धोए हुए हैं, तो उसको मैं सुखा लूँगी। और फिर मैंने नाश्ता भी नहीं किया है और ना ही मैंने खाना बनाया है, तो चलिए फिर अपना काम कर लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद मिलती। और अभी टाइम हो रहा है 12:30 बज चुके हैं, तो मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँगी। और भूख भी बहुत ज़्यादा हो रही है मेरे हस्बैंड को, क्योंकि उन्होंने सुबह से नाश्ता किया हुआ था और मैं तो अभी अभी नहा के आई हूँ, तो अभी मैंने नाश्ता किया है तो मुझे इतना भूख नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और इसीलिए मैंने चावल भी चढ़ा दिया है इंडक्शन पर, और मैंने दाल को भी बना लिया है, और दाल में मैंने कुछ आलू भी दे दिए थे, क्योंकि मुझे आज जीरा आलू बनाना है। और वैसे तो जीरा आलू की जो भरता भी कह सकते हैं हम उसको, तो वो जल्दी बन जाती है, तो इसीलिए मैं जल्दी जैसे जो भी चीज़ जल्दी बनती है वही बना रही हूँ। और मुझे टमाटर का जो चटनी है वो भी बनाना है, तो अभी मैं इसको छोंक दूंगी। और इसमें मैंने थोड़ा सा राई लिया है और इसमें मैं लहसुन दूंगी, और मैं जो पीली वाली मूंग होती है वो ही बना रही हूँ। और उसको ना मैं जब मार्केट से लाती हूँ तो थोड़ा सा भून के रख लेती हूँ, क्योंकि भून के किसी भी दाल को भून के बनाने से ना उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप लोग कभी नहीं भूनते हो तो भून के ज़रूर बनाओ एक बार, तो आप लोग बार बार भून के ही बनाओगे, इतना अच्छा लगता है दाल। तो अभी मैं जितने आलू थे उसको निकाल लूँगी और फिर दाल को छोंक दूँगी, और फिर मैं आलू को भी जो मतलब जो जो मुझे देना है उसको देकर फिर मैं आलू को भी बना लूँगी। और अभी मेरा दाल बन चुका है, मैंने दाल में छोंक लगा लिया है और अब मैं आलू को बना लूँगी। और इसके लिए मैंने प्याज काट लूँगी, और प्याज मुझे ज़्यादा चाहिए इसमें, प्याज जीरा सरसों बहुत ज़्यादा देने से ही अच्छा लगता है। तो अभी मैंने सब कुछ दे दिया है इसमें, जो जीरा सरसों सूखी मिर्च और जो प्याज है उसको मैंने इसमें दे दिया है, और अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी और ब्राउन कलर होने तक। तो अभी मैं दाल को मैंने ढक कर रख दिया है, और अभी मैं आलू को भी इसमें डाल दूँगी। और आलू को मैं जो मेरा जो चमचा है उसमें ही फोड़ लूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप इसको टुकड़े टुकड़ों में भी फोड़ सकते हो, या फिर इसको पूरा जो भरता बनता है ना पूरा मतलब मैश करके भी बना सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा टुकड़ों टुकड़ों में फोड़ रही हूँ, क्योंकि इस तरह से बनाने से भी अच्छा लगता है। और अभी मैं आलू को इसमें दे दूँगी और फिर इसको अच्छे से चला लूँगी, कुछ टाइम तक इसको फ्राई कर लूँगी। और वैसे तो मैं ज़्यादा कुछ भी जिस तरह लोग दिखाते हैं वैसे कुछ भी सब्ज़ी नहीं दिखाती हूँ, मैं जो बनाती हूँ वही दिखाती हूँ, सादा सिंपल जिस तरह हम लोग खाते हैं। तो अगर आप लोग को मेरा ये सब अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं है हम लोगों का खाना, बस सिंपल सा ही होता है जैसे लोग गाँव में खाते हैं, और जैसे भी लोग आसानी से बना के खा सकते हैं वैसे ही हम लोग खाते हैं। और अभी मैंने आलू में थोड़ा सा कस्तूरी मेथी दे दिया है, और अभी मैं कस्तूरी मेथी को इसमें अच्छे से मिला लूँगी। और अभी मेरा जो आलू है वो हो चुका है, तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और उसी कढ़ाई में मैं अभी टमाटर की चटनी बनाऊँगी।
और अभी मैंने इसमें ऑयल ले लिया है, और इसमें भी मैं ज़्यादा ही जो राई होता है उसको ज़्यादा लूँगी, और फिर मुझे इसमें हरी मिर्च देनी है। और अभी मैं इसमें राई दे दूँगी, और आप देख सकते हैं मैंने राई बहुत ज़्यादा लिया है। तो यहाँ का ना जो छत्तीसगढ़ का टमाटर का जो चटनी होता है बहुत ही टेस्टी बनता है, और जो भी बनाते हैं ना बहुत ही अच्छा लगता है, और हमारे जो ओडिशा में बनाते हैं ना इतना अच्छा नहीं लगता है। कभी आप लोग इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप लोग नहीं बनाते हो। ज़्यादा सरसों और हरी मिर्च, जितना आप टमाटर लोगे ना उतना मतलब सरसों होना चाहिए और उतना मिर्च होना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ, नहीं तो मैं भी इतना ही मिर्च देती जितना मैंने टमाटर लिया हुआ है। तो आप लोग अगर मिर्च खाते हो तो आप लोग ऐसे बना के ज़रूर देखिएगा। तो अभी मेरा टमाटर पक चुका है तो मैं इसको थोड़ा सा मैश कर लूँगी, और इसको अच्छे से मतलब इसकी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए वैसे ही इसको मिक्स करना है। और ये जो टमाटर का चटनी है ना ये तीखा ही अच्छा लगता है, इसमें अगर तीखापन ना आए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग ज़रूर बना के देखिएगा इसे, और मिर्च और ज़्यादा लीजिएगा क्योंकि मिर्च से ही ये इसकी टेस्ट आती है। और अभी मेरा खाना बन चुका है तो अभी मैं गैस को साफ़ कर लूँगी, और अभी मेरा चावल भी बन चुका है तो इसको मैं छान लूँगी। और अभी मैं खाना निकाल लूँगी मेरे हस्बैंड के लिए। और अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर भी कीजिएगा। और अगर मेरा मैंने जो भी सब्ज़ी बनाया है आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय।